हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एंड योर यूट्यूब चैनल एसके गाइडेंस। आज हम बात करेंगे सर्वे ट्रेड के बारे में। मुझे ये ट्रेड पे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, सो मैंने आज उस पर वीडियो बनाई है। अभी हम इन डिटेल देखेंगे कि सर्वेयर होता क्या है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है ज्वाइन करने के लिए, देन इसमें करियर कैसा रहेगा एज अ सर्वेयर, ईच एंड एवरी थिंग देखेंगे हम इन डिटेल आगे। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो सर्वे के कोर्स के लिए तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन भी ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अ सर्वे। देखिए फ्रेंड, मैं जो भी कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ उसमें पहले मेरा जो एक बेसिक सा एक इंट्रो पार्ट होता है उस कोर्स से रिलेटेड, बिकॉज आई थिंक इट इज़ यूजलेस अगर मैं सिर्फ कोर्स के आपको बता दूँ कि इसका ये ड्यूरेशन है और ये एलिजिबिलिटी है, बस उतना ही बता के। आई थिंक इट इज़ यूजलेस, बिकॉज उसमें थोड़ा सा उसको नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको इन डिटेल उस कोर्स के बारे में पता नहीं है कि वो उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है और बेसिक चीज़ें क्या होती है वो नहीं पता है। सो मैं एक पहले कभी भी उसका एक इंट्रो देती हूँ, देन उसके बाद में उसके जो कोर्स है उस पर मूव ऑन करती हूँ। ओके, तो आज भी हम वही करेंगे, पहले हम कोर्स के बारे में देखेंगे कि ये सर्वेयर होता क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। अ सर्वेयर इज समवन हु एस्टेब्लिश ऑफिशियल लैंड एयर स्पेस एंड वाटर बाउंड्रीज। सर्वे वर्क विथ सिविल इंजीनियर, लैंडस्केप आर्किटेक्ट एंड रीजनल एंड अर्बन प्लानर टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। दे वर्क आउटडोर इन मेनी टाइप ऑफ ट्रेंड्स एंड दे ऑल्सो वर्क इनडोर टू प्रिपेयर लीगल डॉक्यूमेंट एंड अदर रिपोर्ट्स। वॉट डज अ सर्वे डू, सर्वे का काम क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है वो देखते हैं। सर्वे मेक अ एक्यूरेट मेजरमेंट टू डिटरमाइन प्रॉपर्टी बाउंड्रीज। दे प्रोवाइड डेटा रिलेवेंट टू द शेप एंड कॉन्टर टू द अर्थ सर्फेस फॉर इंजीनियरिंग, मैप मेकिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। देखिए बेसिकली मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि सर्वे का काम क्या होता है। देखिए जो रोड्स बनते हैं या जो बिल्डिंग्स बनती हैं तो उसका जो बाउंड्रीज के जो मेजरमेंट्स होते हैं, जो लैंड का जो सर्वेयर होता है वो एक सर्वे करता है, वो उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो GPS होते हैं और जो सैटेलाइट के थ्रू, वो सब प्रॉपरली उसको जो डेटा है वो गैदर करते हैं और उसके बाद में एक जो मैप है वो तैयार करते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन जो प्रीवियस उसका जो बाउंड्रीज के जो मेजरमेंट थे और जो करंट है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन और सब कैलकुलेशन वगैरह सर्वे करता है उस लैंड पे, उस साइट पे जाके। दे रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ सर्वेइंग एंड वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ डेटा, प्रिपेयर प्लॉट्स, मैप एंड रिपोर्ट्स, वर्क विथ कार्टोग्राफर, मैप मेकर, आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन मैनेजर एंड अदर्स। इन द वर्क सर्वे यूज द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS, जिन्होंने भी आपको बताया था जो इनका इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है, GPS यूज़ करके सैटेलाइट्स के थ्रू उनको एक प्रॉपर एक्यूरेसी मिलती है उनके डेटा में, और फिर उसके हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं और वेरीफाई करते हैं GPS रिजल्ट को। एंड दे गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन विच आर फेड इनटू द ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम GIS, विच इज़ देन यूज टू क्रिएट डिटेल मैप। ओके, वर्क प्लेस देखते हैं सर्वर का कैसा होता है। सर्वेइंग इन्वॉल्व बोथ फील्ड वर्क एंड इंडोर वर्क, लेकिन ज़्यादातर इनका फील्ड वर्क होता है, इंडोर वर्क काफ़ी कम होता है। फील्ड वर्क इन्वॉल्व्स वॉकिंग आउटडोर, स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स एंड वॉकिंग कंसिडरेबल डिस्टेंस। सर्वे समटाइम क्लाइंब हिल्स विथ हैवी पैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड अदर इक्विपमेंट एंड आर एक्सपोज टू ऑल टाइप ऑफ वेदर। जो भी उनके इक्विपमेंट्स वगैरह रहते हैं वो सब लेके उनको कैरी करना होता है, चाहे वो कैसा भी डिस्टेंस हो, कैसे भी लोकेशन हो, उनको सब कैरी करना होता है। सर्वे ऑल्सो डू मैनी टास्क इनडोर इंक्लूडिंग रिसर्चिंग एंड लैंड रिकॉर्ड, एनालाइजिंग फील्ड सर्वे डेटा, मैपिंग, प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन टू रेगुलेटरी एजेंसीज एंड प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट टेस्टिमनी इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। देखिए ये बेसिकली ना फ्रेंड्स बहुत ही फिजिकल एक्टिविटी का जॉब होता है, तो ये मोस्ट ऑफ बॉयज़ के लिए ये जॉब काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू गर्ल्स, क्योंकि इसमें फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी इन्वॉल्व होती है, हमें उस साइड पे जाना होता है और सब जो अपना जो जॉब है प्रोफाइल है वो सब करना होता है, सर्वे करना होता है लैंड पे। ओके, अभी हम कोर्स पे मूव ऑन करेंगे। ट्रेड नेम इज सर्वे।
एज यू नो एंड कोर्स ड्यूरेशन है 1 ईयर, लेकिन अगर आप ITI से कोर्स करते हो तो उसके लिए 1 ईयर का ड्यूरेशन है, अगर आप डिप्लोमा करते हो तो 2 साल रहेगा, अगर आप डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो उसका जो ड्यूरेशन है वो अलग रहेगा. ओके, एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा, अगर आपने 10th पास किया है अंडर 10+2 सिस्टम, आपका साइंस और मैथ्स का सब्जेक्ट होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल, आप अप्लाई कर सकते हो और एडमिशन के लिए ले सकते हो. अभी हम एक सिलेबस देखते हैं फ्रेंड्स. मैंने सेमेस्टर 1 और 2 में थोड़े से सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए ताकि आपको थोड़े से नॉलेज मिल जाए ये ट्रेड के बारे में. देखिए, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों भी सब्जेक्ट बताए गए हैं. पहला है टूल एंड इक्विपमेंट, स्केल, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, साइन एंड सिंबल, चेन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, ये सब आपको थ्योरेटिकली पहले सिखाया जाएगा, देन प्रैक्टिकली, देन आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, इंडस्ट्रियल विजिट होगा, रिविजन होगा, एग्जामिनेशन होगा. ओके, देन सेमेस्टर 2 में ये सारे जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं, लेवलिंग, काउंटरिंग, थियोडोलाइट सर्वे, कर्व्स, रोड प्रोजेक्ट्स, टेकोमेट्री एंड ट्रैंगुलेशन, डिजिटल थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, GPS एंड फोटोगेमेट्री, CAD, ये आपको जो CAD सॉफ्टवेयर होता है उसमें आपको ड्राइंग वगैरह कैसे करते हैं बिल्डिंग के, वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, ये प्रैक्टिकली भी बताया जाएगा. देन इस सेमेस्टर 2 में भी आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, देन इंडस्ट्रियल विजिट एंड रिविजन एंड एग्जामिनेशन होगा, सब कुछ आपको इसमें जो कोर्स का ड्यूरेशन है 1 ईयर का या 2 ईयर का जो भी है आपका डिप्लोमा है उसमें सब कुछ आपको अच्छी तरह से सिखाया जाएगा. जब आपको कोर्स कंप्लीट होगा तो आप एक प्रोफेशनल सर्वेयर बन जाओगे. लेकिन फ्रेंड, जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद आप एक जॉब ज्वाइन कीजिए, बिकॉज एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है. चाहे आप गवर्नमेंट ज्वाइन करते हो उसकी प्रिपरेशन करके, या फिर प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन करते हो, किसी में भी ज्वाइन कीजिए, लेकिन एक्सपीरियंस मस्ट है. तो वो आप एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिए, बिकॉज एक्सपीरियंस जैसे आपका बढ़ेगा उसके हिसाब से आपकी पोस्टिंग और सैलरी सब कुछ बढ़ेगी. आप किसी में भी जा सकते हो, आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है तो वो कर सकते हो, या प्राइवेट सेक्टर अच्छी अच्छी कंपनीज है जो उसको ज्वाइन कर सकते हो. ओके, ट्रेड जॉब टाइप देखते हैं क्या किस टाइप के जॉब्स होते हैं. एज अ सर्वेयर आप कर सकते हो और एज लैंड सर्वेयर कर सकते हो. लैंड सर्वे फ्रेंड्स क्या होता है, बेसिकली लैंड सर्वे डिटरमाइन करता है प्रॉपरली जो बाउंड्रीज होती हैं वो मेजर करता है, मैप्स बनाते हैं, सर्वे प्लॉट्स करते हैं अकॉर्डिंगली. और ये जो बाउंड्रीज मेजर करते हैं बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज उसके हिसाब से लाइक कि रोड या बिल्डिंग कैसे कंस्ट्रक्ट होगा उसके लिए वो मेजर करना बहुत ज़रूरी होता है. कंस्ट्रक्शन सर्वे कि जैसे आप जॉब कर सकते हो फ्रेंड्स, ये सब स्पेसिफिक है, मीन्स आपको अगर इस सब किसी में भी इसमें इंटरेस्ट है तो आप स्पेसिफिकली इस फील्ड में इस एरिया में जाके उसमें कर सकते हो. क्वांटिटी सर्वे, अभी करेंटली क्वांटिटी सर्वे का भी काफ़ी डिमांड है, ये कोर्स भी काफ़ी डिमांड में है और अच्छा चल रहा है. क्वांटिटी सर्वे होता क्या है फ्रेंड्स, बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट द कॉस्ट. मीन्स सपोज आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, आपको उस पर काम करना है, तो सबसे पहले हम कभी भी उसकी कॉस्टिंग निकालते हैं कि इसमें कितना पूरा खर्चा आएगा आपका. हम कभी भी पहले कोई भी काम करते हैं तो उसमें पहला कॉस्टिंग देखते हैं. तो अगर आपको जो भी प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए अगर आपको उसका पूरा मैनेजमेंट करना है या कॉस्टिंग देखना है तो उसके लिए आपको एक QS की ज़रूरत पड़ेगी, क्वान्टिटी सर्वे की ज़रूरत पड़ेगी. यहाँ पर क्वान्टिटी सर्वे का एक रोल आता है. क्वान्टिटी सर्वे जो होता है वो टेंडर प्रोसेस में भी काम करते हैं एंड वो कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट लिंक रहते हैं. उनका मोस्टली जो जॉब प्रोफाइल होता है वो कॉस्ट मैनेजमेंट करना, कॉस्ट प्लानिंग, कमर्शियल मैनेजमेंट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट, मीन्स स्टार्ट टू एंड तलक, पोस्ट कंप्लीट होने तलक उसका जो प्रोजेक्ट है उसमें एक QS का एक रोल होता है. रिस्क मैनेजमेंट, कैलकुलेशन, ईच एंड एवरीथिंग एक क्वान्टिटी सर्वे करता है. ओके, या फिर सिर्फ सर्वे, डेटा सर्वे, या फिर माइंड सर्वे, किसी भी एरिया में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें आप फर्दर मूव ऑन कर सकते हो और आगे उसमें जॉब कर सकते हो. आप आगे एडवांस कोर्स भी कर सकते हो, लाइक डिप्लोमा इन सर्वेइंग, डिप्लोमा इन माइंड सर्वेइंग, डिप्लोमा इन सर्वे इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन क्वालिटी सर्वेइंग एंड कमर्शियल मैनेजमेंट. आई विल सजेस्ट कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर आगे कोर्स कीजिए, डिग्री कीजिए, डिप्लोमा कीजिए या पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए. उससे आपकी पोस्ट तो बढ़ेगी प्लस आपकी सैलरी भी बढ़ेगी. लेकिन अगर सपोज आपको आगे फर्दर स्टडी नहीं करनी है तो आप डिप्लोमा वगैरह करके भी आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो. बहुत सारी वैकेंसीज आती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आती है, आप उसके लिए अप्लाई करके उसका प्रिपरेशन कीजिए और अप्लाई कीजिए. और
या फिर प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन कीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है फ्रेंड्स, लेकिन जैसे ही आपका एक्सपीरियंस हो जाता है और एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हो तो करियर ब्राइट है इसमें, अच्छा है। अगर आपको ये कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है, तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी हेल्प कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। Thank you friends for watching my channel and thank you for all your supports and love. Meet you soon in next video. Bye. All the best for your career.